गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स में कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डिफिनीशन। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डिफिनीशन हम लोगों ने सीखा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ फार्मूला। और अब फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो होते हैं उसको कैसे प्रूफ किया जाता है इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक ओरिजिन है वो राइट एंगल ट्रायंगल से है। तो यहाँ पर हमने ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जिसका एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल इसका 90 डिग्री का होगा। और एंगल सी को हमने मान लिया कि थीटा, थीटा एक ग्रीक वर्ड होता है, अल्फाबेट है, लेटर है, तो इसको थीटा पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? थीटा। इसको अब ये सब बहुत यूज होगा, थीटा है, बीटा है, इस तरह से। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी डिग्री 90 डिग्री है और सी थीटा है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं इन राइट एंगल ए बी सी। एंगल बी जो है वह है 90 डिग्री एंड एंगल सी जो है वह थीटा है। तो अब यहां से फार्मूला स्टार्ट होगा। ट्रिग्नोमेट्री में हर फार्मूला का प्रूफ होता है। तो कल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपने देखा होगा कि साइन थीटा की डिफिनेशन थी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को थीटा के रेस्पेक्ट में साइन कहा जाता है। तो उसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब आप देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और थी, वह थी कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या थी? एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन थीटा की डिफिनेशन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज थी, कॉसेक की डिफिनेशन हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम कह सकते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा साइन है। अपनी समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि साइन का उल्टा कॉसेक, क्योंकि साइन की डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और यहीं पर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर हो गया कॉसेक। तो एक दूसरे के ये अपोजिट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक थीटा, ऐसे लिखेंगे। या अगर हम कॉसेक थीटा लिखते हैं यहां पर, तो साइन को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, ये उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा को हमने क्या किया? उसका उल्टा कर दिया, क्योंकि साइन और साइन को साइन जब भी, अब देखिए कभी भी साइन थीटा रहेगा तो इसके जगह पर वन अपॉन कॉसेक थीटा लिखेंगे। अब इसका प्रूफ देखिए, आइए इसको प्रूफ करके हम दिखा देते हैं। प्रूफ करके ये दिखा देते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2/3 है, ऐसे मान लीजिए 2/3 है, तो इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 1/3/2, क्योंकि ये क्या होगा, 1 होगा इंटू 2/3, यानी फिर से हमें क्या मिल गया, 2/3 मिल गया। तो इसी तरह से अगर देखिए हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा की डिफिनेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है, यहां पर चलिए हमने लिख दिया कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/h/p, क्योंकि ये फिर से मल्टीप्लाई होकर के यही हो जाएगा। अब आप खुद ही देख लो, इसकी जगह पर यही है, क्या है ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह पर हमने 1/h/p लिखा। तो अब ये तो हो गया साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा, और इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो जब भी कभी साइन थीटा मिलेगा तो उसकी जगह पर आप 1/cosec थीटा लिख सकते हो। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे पास कोई साइन थीटा है और इसकी वैल्यू 1/2 है, तो अगर हम कॉसेक थीटा लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे, यानी 2/1, यानी 2। इस तरह से फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब यही से एक फॉर्मूला और निकलेगा, इसका इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, साइन और कॉसेक का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला और मिलेगा, और वह मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। कहीं से कुछ नहीं मिला, सीधा हमने क्या किया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई है, इसलिए आप चाहे साइन का कॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस का साइन में मल्टीप्लाई कीजिए, बात तो वही है। तो
तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमेशा वन होता है, याद रखिएगा। साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए तभी यह वन होगा। कभी भी साइन थीटा और कॉसेक का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा वन हो जाएगा, लेकिन एंगल आप देखोगे एंगल सेम होना चाहिए। अगर मान लो एक थीटा है दूसरा बीटा है, तो फिर वन हम उसके जगह पर नहीं लिखेंगे। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। तो बाकी इधर इधर हम आपको बता रहे हैं, स्टूडेंट्स अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। तो यहां पर हमने देखा कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। अब यहां पर देखते हैं कॉस कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के, डिफिनेशन से ही पता चलता है कि भाई यहाँ कॉस और कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर हम कॉस थीटा लिखेंगे तो वहां कॉस सेक हो जाएगा, या यहीं पर अगर हमने लिखा सेक थीटा तो कॉस को वन अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे, यानी एक को लिखेंगे दूसरे को उसके उल्टा कर देंगे। तो कॉस थीटा जगह पर वन अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहाँ पर, तो हमें एक फार्मूला मिल गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। यहां से हमें एक फार्मूला मिल गया, यानी कॉस और सेक का मल्टीप्लाई जो होता है या प्रोडक्ट जो होता है हमेशा वन होता है। इसी तरीके से टैन थीटा और कॉट थीटा का भी, टैन थीटा है तो वन अपॉन कॉट थीटा आएगा, या तो अगर हमने कॉट थीटा को यहाँ लिखा तो ये हो जाएगा वन अपॉन टैन थीटा हो जाएगा। अब कॉट और टैन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टैन थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टैन थीटा और ये हो गया कॉट थीटा, तो यहाँ भी मिल गया वन। तो इस तरह से देखिए ये सब अपने आप में एक फॉर्मूला है, साइन वन अपॉन कॉसेक एक फॉर्मूला, कॉसेक वन अपॉन साइन फॉर्मूला, ये सब अगर यूज होगा और ये फॉर्मूला ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इस तरीके से इतने फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना है, इसको याद करना है, और इसके बाद जो है और अब ये देखिए, अब ये सब फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहां पर हमें एक और जरूरत पड़ेगी कि एक पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसको भी हम समझा दे रहे हैं आपको। तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए अपने, और इसको आपको याद करना है, ठीक है। ये सब आपको याद करना है, और ये अब पाइथागोरस थ्योरम को देख लेते हैं क्या है। स्टूडेंट्स पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। चलिए मान लिया कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है इस पर आप एक स्क्वायर बनाइए, यहाँ पर इसको नापिए, और नापने के बाद आप इस पर एक स्क्वायर बना दिए। मान लिया चलिए हमने एक स्क्वायर बना दिया है इस तरह के, और बेस है, तो अगर हमने इसको बेस मान लिया तो इस पर एक स्क्वायर बनाइए। फिर परपेंडिकुलर अगर हमने इसको माना है तो परपेंडिकुलर पर भी एक स्क्वायर बनाइए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हाइपोटेन्यूज है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है इसका इस पर बना जो स्क्वायर है इसका एरिया, और परपेंडिकुलर पर बना स्क्वायर का एरिया, इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज पर बना। यानी ए सी इसका एरिया, अगर मान लीजिए एक साइड ए सी है तो ए सी स्क्वायर, और ये इसका क्या होगा, ये ए बी स्क्वायर, और ये क्या होगा, बी सी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, भाई एरिया तो यही होता है ना, साइड का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं से एक रिलेशन हमें मिलता है, एच हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर के बीच में एक रिलेशन मिलता है। अगर हमें अब एच निकालना है तो अब यहां से हम लोग अगर हम एच निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद कीजिए, ये क्या होता है, एक रिलेशन मिला हमें किसमें, एच पी और बी में। तो इससे क्या हमें फायदा मिलेगा, जब आप ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज में जब आप सॉल्व करोगे तो दो साइड दिया रहेगा, तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं, तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। यानी एच अगर है तो
भाई स्क्वायर रूट लिया तो एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से ये हमें मिल गया। और यहीं पर अब एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें पी निकालना है, पी निकालना है तो हम ट्रांसपोज कर देंगे, परपेंडिकुलर निकालना है तो पी इसको, तो यहां से ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला हमें यहां से और मिल गया। तो इस तरह से अगर अब हमें बी निकालना होगा तो बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इससे एक रिलेशन मिला हमें, जब जरूरत पड़ेगी तो हम दो साइड दिया रहेगा तो तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। जैसे हमें बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। आप इसको भी याद रखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मैंने एक शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया, और ये आप इसको, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आपको एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू।